हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। हाँ जी, कल रात को 12 बजे के पास एक बार एडमिट कार्ड आ गए थे, 11:30 बजे के आसपास। उसके बाद में वापस बच्चे के कमेंट आ रहे थे कि एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, एरर शो कर रहा है। तो फाइनली अब जिन बच्चों के एडमिट कार्ड आने हैं उन बच्चों के एडमिट कार्ड साइट पर आ चुके हैं। अब आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं और डायरेक्ट जो लिंक है आपको करना किस तरीके से है, मैं इस वीडियो में अनेक प्रकार की बातों पर डिस्कस करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको निकालना कैसे है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं लिंक दे रहा हूं। आपको पहले उस पहले वाले लिंक पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से और अपने पासवर्ड से। लॉगिन कर जाओगे, वापस आपको टेलीग्राम ग्रुप में आना है और दूसरे स्टेप टू का जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है। आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। वहां से आप उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपका मोबाइल सपोर्ट करता है तो। एग्जाम डेट आपकी 7 और 8 अगस्त है, एडमिट कार्ड आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के जो एडमिट कार्ड हैं वो ब्लैंक शो कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो एडमिट कार्ड ब्लैंक शो करने का कारण है आपने एक से अधिक फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं और आपने उसमें कुछ चेंजमेंट भी कर रखी है और पॉसिबिलिटी है कि आपने कोई कैटेगरी, जैसे कोई जनरल का बच्चा है तो आपने EWS से अपना फॉर्म भर रखा होगा, या EWS का पहला फॉर्म आपने EWS का भर दिया, दूसरा आपने जनरल से भर दिया, तो आप क्या है, आपने दो फार्म भर रखे हैं, ये एक वजह हो सकती है। उसके बाद में एक इसके अलावा और भी वजह है कि आपने दो फार्म तो भर रखे हैं, आपने तीन फार्म तो भर रखे हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए, लेकिन आप जो अब अपना एडमिट कार्ड निकाल रहे हो वो आप पहले वाले रजिस्ट्रेशन नंबर का निकाल रहे हो, ना कि लास्ट वाले रजिस्ट्रेशन नंबर का। आपका एडमिट कार्ड उसका आएगा जो सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी कि जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 420, ठीक है। उसके बाद में मैंने दो दिन बाद में फिर फार्म भर दिया, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया 423, ठीक है। मैंने फिर पाँच दिन बाद मेरे मुझे गलती लगी, भाई ये इस फार्म में गलती है, फिर मैंने एक फार्म और भर दिया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया 426। तो अब मेरा जो एडमिट कार्ड आएगा वो 426 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका आएगा, ठीक है, यानी कि जो सबसे लेट फार्म भरा है, ठीक है, जो सबसे नया फार्म भरा है। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी बच्चे के दो एडमिट कार्ड आ रहे हैं, उसने दो फार्म भरे थे और दो ही एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो क्या होगा? आपको दोस्तों जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बड़ा है उस एडमिट कार्ड के ऊपर आप अपनी जो परीक्षा है वो आप दीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के अभी एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो किस वजह से हो रहा है, कुछ तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी ब्लैंक होने वाली, तो लेकिन कुछ का निकल ही नहीं रहा है। तो मेरे भाई, आपने क्या हो सकता है, देखिए एडवर्टाइजमेंट 4/2020 है पुलिस कांस्टेबल की, कितनी है, 4/2020। यदि आप उसमें किसी और एडवर्टाइजमेंट का नंबर डालोगे तो लॉगिन ही नहीं होगा ना, आप समझ रहे हैं, वो लॉगिन ही नहीं होगा तो एडमिट कार्ड कैसे आपका निकलेगा। तो आपको 4/2020 का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में होना चाहिए। कोई बच्चा ये सोचता कि मैंने 4/2020 का अप्लाई नहीं किया लेकिन मैंने 6/2019 का अप्लाई किया था तो एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपको 4/2020 वाला फॉर्म अप्लाई करना जरूरी था। जिन बच्चों ने 4/2020 का फॉर्म रखा है केवल उन्हीं के एडमिट कार्ड आपके आए हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर है। 4/2020 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 420 से स्टार्ट होता है, 6/2019 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 619 से स्टार्ट होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 619 वाला है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा, आपको 420 वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो स्टार्ट होता है 420 से, वो आपको अपना एडमिट कार्ड उस रजिस्ट्री नंबर से निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक? मेरे हिसाब से आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में कुछ बच्चों के कमेंट और भी आए थे, हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है या नहीं है। वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के अब भी कमेंट आ रहे, IPC CRPC आएगी या नहीं आएगी। IPC CRPC आएगी लेकिन वो 5-7 नंबर की आएगी। अभी यदि आपको लगता है कि भाई सब्जेक्ट स्पेशल
में ही 30-35 का आएगा या 5-7 प्रश्न आएगी। तो पंचायती राज आपने ग्राम सचिव का एग्जाम दिया होगा या आप ग्राम सचिव का पेपर उठा के देखना, 5-7 प्रश्न जो धारा वगैरह होती है पंचायती राज वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड आए थे, उनसे रिलेटेड आए थे 5-7 प्रश्न। तो इस बार भी दोस्तों आईपीसी सीआरपीसी से रिलेटेड या गृह मंत्रालय से रिलेटेड 5-7 प्रश्न आपके आएंगे, 30-35 नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करना जरूरी थी, और आगे जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, कोई आपकी अभी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और एक चीज़ और रह गई है कि यदि आपको लगता है कि आपका आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं और आप फॉरगेट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे मैसेज सेंट दिखाता है लेकिन आपके मोबाइल पे नहीं आता है, ये HSSC साइट की प्रॉब्लम है। HSSC क्या करता है, मैसेज भेजना बंद कर देता है, इस वजह से आपके मैसेज आपके मोबाइल पर आते नहीं है तो समस्या आपको फील करनी पड़ती है। अब इस सिचुएशन में क्या करना होगा आपको, आपको समाधान पोर्टल का यूज़ करना पड़ेगा। समाधान पोर्टल पर आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, आपकी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और या आप HSSC ऑफिस जा सकते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया कि लास्ट टाइम में इस चीज़ को अपडेट कर दिया गया है और मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे भी सिचुएशन आपके हिसाब से आपको लगती है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।